स्वागत करेंगे। तो आइए
बड़े हर्ष का विषय है। भगवान की बड़ी अनुकंपा है जो कि पुनः हमको कथा का संशोधन करने के लिए प्राप्त हुआ है। यह विष्णुई परिवार बड़ा भाग्यशाली है जो कि भगवान की कितनी विशेष कृपा होना चाहिए आप लोगों को। पुनः मैं बताऊं, पिछली वर्ष यह कथा हुई लेकिन इनके मन में पुनः भगवान ने सब प्रेरणा दी जो कि पुनः यह कथा करवा रहे। ऐसे पहले यज्ञवाद होंगे जो कि एक साल नहीं हुई और दो दूसरी कथा फिर होने लगी। हम लोग मन बनाते हैं कि हम सत्यनारायण की कथा कराएं लेकिन वो भी नहीं करा पाते। क्यों? हम इतने कृपा पात्र नहीं है, भगवान की कृपा नहीं है और कथा ऐसी होती नहीं। कथा में दो चार लाख खर्च भी होते हैं लेकिन विष्णु जी का तो यह मन है कि गुरु जी सब आपका दिया हुआ है, ठाकुर जी का दिया हुआ है, उनका तो यह भाव जी को समझा हमारे बीच में पुनः कथा करा रहे हैं, बड़े भाग्यशाली है। तो आइए हम और आप इतना ही कर ले, अपने घर में जो बैठे हैं उनसे निवेदन है कि पंडाल में आकर कथा का स्वागत करेंगे। तो आइए हम और आप बड़े भाग्यशाली हैं जो कि भगवान की पुनः निवेदन है सभी भक्तों की तरफ से कि हमको यह कथा श्रवण कराए जिससे कि हमारा जीवन सफल हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री Wow.
शरण कवि कुल चूड़ामणि शतवनीश्वर पारश नंदन ऐसे वेदव्यास भगवान के पाद पद्मों का शश वंदन। यदि सम्राट महाराज श्री सूर्य भगवान की पादारणों का शश वंदन, जिनकी आयत की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति हुआ करती है, जिनकी सतत कृपा वर्षा करती है ज्ञान रूप में, ऐसे मेरे सूर्य भगवान की पादारणों का शश वंदन। समस्त मंचासीन हमारे विद्युत समाज भूदेवों का शस्त्र बंधन, संगीत में यथा संचालन करने वाले भाई श्रवण जी उनके शरीर की बात हो, शाम सदस्य यथार्थ संचालन करने वाले भाई जी रवि जी, रवि माने शिव प्रकाश, क्या बात की सुंदर व्यवस्था, बड़ी दिव्य व्यवस्था किया करते हैं, उनका भी हृदय से सम्मान। कथा में पधारे हुए श्रद्धालुओं, विश्वास पुरुष वर्ग, हमारे परम श्री वेद प्रकाश जी विष्णुई, हमारे अग्रवाल जी संतोष भाई विष्णु जी प्रिया, सभी लोगों का हृदय से सम्मान। श्रद्धामयी माताएं गार्गी मदरसा एशिया के प्रसिद्ध पर चलने वाली मातृशक्ति रतन का भी हृदय से सम्मान, अन्य मंडे वाले मालिका सभी का हृदय से सम्मान करते हुए बड़े प्रसन्नता की बात, हमारी पावन कथा के मुख्य यजमान आयोजक सम्मानी प्रेम विष्णु जी बिटिया अर्चना, ये वास्तव में सराहना की बात है। भगवान की कथा से जिनका मन भर जाए वो भी ठीक है, परंतु भरने में ये लालसा बनी रहे कि पुनः भगवान की कथा श्रवण करने को मिले, सशीघ्र मिले। कथा के बाद पहला आशीर्वाद इन्होंने यही मांगा था कि गुरु जी हम जल्दी कथा करा, और वर्ष में एक बार नहीं 10-5 बार निवेदन भी दिया। मैंने बोला था कि आपको 3 वर्ष तक नहीं भूलना, 3 वर्ष बाद कथा करेंगे, परंतु जब इतने तरीके की बात होती बोले गुरु जी कथा कब करा, गुरु जी कब कर, ऐसा लग रहा था इनको जैसे शहर में कुछ हम कहीं घूमना चाहते हैं, कोई सामान लेना चाहते हैं, कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं, ऐसा इनका मन भर रहा था कि ठाकुर जी की कथा। फिर अभी दुबे जी की यहाँ जब कथा हुई में, उधर तो आपने कहा बोलो आप नाराज हो जाओ, चाहे ठाकुर जी नाराज हो जाए, हमको तो आप आशीर्वाद ऐसा दो लोग हम जल्दी करा। पहली उनकी सारी निश्चित थी, परंतु कुछ कारण कोरोना काल की वजह से थोड़ी परिवर्तन हुआ, परंतु इनका मन जिस प्रकार से भगवान के पादारविंदों के प्रति समर्पण है, भगवान से श्री राधा कृष्ण भगवान श्रीमद भागवत एवं समस्त आवाजों से निवेदन प्रणाम कि इनके मनोरथ पूर्ण करें, ऐसे ही इनका मनोबल, ऐसा ही इनका भाव और उत्तर वृद्धि को प्राप्त हुए, ऐसे ही इनके घर कार्यक्रम होते रहे, इनके घर में मंगल उत्सव होते रहे, यही हमारी श्रद्धा है। आइए भगवान की मंगल कथा श्रवण करने के लिए आप सब वास्तव में आग्रह है, ये मन के अंदर भाव होना चाहिए। स्वादिष्ट जब भोजन बनता है, भोजन आने के बाद तृप्ति तो होती है, परंतु बहुत स्वादिष्ट जब भोजन होता है तो अतृप्ति सी बनी रहती है, और होना था और पाना था। ये कथा श्रवण करने के बाद मन में अतृप्ति बनी रहे कि भगवान की कथा और जल्दी मिले, सुने और जल्दी मिले। आप लोग बड़े अटल बिहारी सरकार से जुड़ी सब भक्त हैं, सबके अंदर वह भाव है, आइए हम सब मिलकर के पहले भगवान का सुंदर वंदन कीर्तन, उसके पश्चात को पावन कथा। श्री कृष्ण गोविंद माधव नारायण वासुदेव
मंत्र जाप करने में सावधानी की आवश्यकता हुआ करती है।
त्रुटि हो जाने से विपरीत फल की प्राप्ति होती है अथवा कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता। विनियोग करना रहता है, शतक करना होता है, स्तुति करना होती है, अनेक अनेक प्रकार से मंत्र के माध्यम से जब हम आराधना करते हैं तो सावधानी की आवश्यकता होती है। परंतु भगवान के नाम में, भगवान श्री कृष्ण का नाम, भगवान श्री राधे राम का नाम, इसमें स्मरण करने में कोई सावधान या सावधानी की जरूरत नहीं है। आप एक केंद्र विधि से भगवान का नाम स्मरण करेंगे, निश्चित रूप से आपको फल की प्राप्ति होगी। बाबा तुलसीदास जी ने भी सुंदर पंक्ति का स्मरण किया है, कलयुग केवल नाम धारा सुमर स्मरण। कलयुग केवल नाम सुंदर सुंदर